हाउ टू कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट एंड सैंड इन प्लास्टर। फ्रेंड्स, लेंथ हमारा 5 मीटर एंड हाइट 3 मीटर। थिकनेस ऑफ प्लास्टर हम ले लेते हैं 12 mm, उसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं 0.012 मीटर। वॉल्यूम हो जाता है टोटल वॉल्यूम ऑफ प्लास्टर, इतना 0.18 मीटर क्यूब। ये चूँकि हमारा वेट वॉल्यूम होता है, इसका ड्राई वॉल्यूम निकालने के लिए 0.18 में 1.33 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.239 आ जाएगा। चूँकि सीमेंट एंड सैंड रेशियो होता है 1:6, सीमेंट निकालने के लिए रेशियो ऑफ सीमेंट डिवाइडेड बाय सीमेंट एंड सैंड रेशियो का सम इनटू में ड्राई वैल्यूम। सो फ्रेंड्स, 1/7 इंटू 0.239, इसको कैलकुलेशन करने के बाद 0.0341 मीटर क्यूब। चूँकि डेंसिटी ऑफ सीमेंट हमारी होती 1440 kg/m³। सो फ्रेंड्स, जो डेंसिटी से इसको मीटर क्यूब जो सीमेंट का आया है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 49.10 kg सीमेंट आएगा। फ्रेंड्स, सैंड निकालने के लिए 6/7 इंटू 0.239 तो निकल के आएगा 0.204 मीटर क्यूब। चूँकि 1 मीटर क्यूब में 35.314 क्यूबिक फीट होता है। फ्रेंड्स, एग्रीगेट हमारा क्यूबिक फीट में हमेशा लिया जाता है, तो 0.204 में 35.314 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सैंड आ जाएगा 7.20 क्यूबिक फीट। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।